भी, तो ये तुम्हारे मालिक हैं, तुम मैलफॉय परिवार के गुलाम हो। तुझे मैं बाद में देखूंगा। रास्ते से हटो पोटा। अच्छा तो तुम लौट आए? जब सदस्यों ने सुना कि वीजली की बेटी को तहखाने में बंद किया गया है तो उन्होंने मुझे वापस बुलाना ठीक समझा। वाहियात। अजीब बात है लूसियस, उनमें से कई ये सोच रहे थे कि तुम उन्हें श्राप दे देते अगर उस वक्त उन्होंने मुझे नहीं हटाया होता। तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्या कहा आपने? मेरी इकलौती फिक्र रही है तो सिर्फ यहाँ की भलाई की, भलाई इस स्कूल की और इसके बच्चों की भी। तो क्या लगता है तुम्हें, क्या मुजरिम पकड़ा गया? जी बिल्कुल। और कौन था वो? वोल्डेमॉर्ट। लेकिन इस बार वो किसी और के जरिए अपना काम कर रहा था। वो इस्तेमाल कर रहा था ये किताब। अच्छा, खुशकिस्मती से हमारे मिस्टर पॉटर ने इसे ढूंढ लिया। उम्मीद है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की दूसरी पुरानी स्कूली चीजें मासूमों के हाथों तक नहीं पहुंचेंगी, वरना ऐसा जो करेगा उसका नतीजा उसे भुगतना होगा। तब तो उम्मीद करता हूं कि मिस्टर पॉटर हमेशा यहीं रहेंगे स्कूल को बचाने के लिए। हमेशा रहूंगा, वादा करता हूं। डंबलडोर, चल डॉबी, हम जा रहे हैं। आपका कुछ मेरे पास है। मेरा? पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। ओ, आपको पता है सर, मुझे लगता है ये डायरी आपने जिनी वीसली की कड़ाही में डाली थी, छुमंतर गली में। ऐसा लगता है तुम्हें। तो साबित करके दिखाओ। चल डॉबी, खोलो उसे। डॉबी, मालिक ने डॉबी को मोजा दिया है। क्या? मैंने तो मेरे मालिक ने डॉबी को कपड़े दिए हैं। डॉबी, डॉबी अब आजाद है। तुमने मेरा गुलाम छीन लिया मुझसे। तुम हैरी पॉटर को कुछ नहीं करोगे। विनाश। तुम्हारे माँ बाप भी टांग अड़ाते थे। याद रखना पोता, बहुत जल्दी तुम्हारा भी वही अंत होगा।